मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की सीरीज में गणित विषय के प्राथमिक स्तर के प्रकरण संख्या सिद्धांत के भाग चार में आज हम पहले पूर्ववर्ती संख्या की चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती संख्या कहते किसे हैं? पूर्ववर्ती संख्या को अंग्रेजी में प्रेडिसेसर नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्व माने पहले आने वाली संख्या, पूर्ववर्ती माने पहले आने वाली संख्या। किसी संख्या के पहले कौन सी संख्या आएगी उसको हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। वो कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हमने लिखा 358 की पूर्ववर्ती संख्या, की पूर्ववर्ती संख्या, तो 358 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, 358 में से एक माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ठीक पहले वाली पड़ जाएगी। 8 में से 11 7 5 3, 357 जो है पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। यानी कि किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या दी गई संख्या में से एक घटाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो जो संख्या हमको दी गई है उसमें से एक घटा लेंगे। अब जैसे हमने कहा 1000 में से 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, कि पूर्ववर्ती संख्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 में से एक घटा लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 में से हम एक घटा लेंगे, 1000 है इसमें से हमने एक घटा लिया, यहाँ पे बचा 10 में से एक गया 999 पूर्ववर्ती संख्या हो गई। तो किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम उसमें से दी गई संख्या में से एक घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या जो संख्या दी गई है उसके ठीक एक आगे कौन सी आएगी, जैसे जो संख्या दी गई है वह उसके आगे वाली संख्या कौन सी होगी। जैसे हमने यहाँ पर मान लो कोई संख्या लिखी है 354 355 356, ऐसे आप समझ सकते हैं कि 355 की अनुवर्ती माने आगे आने वाली संख्या ये है 356, और 300 पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 355 की एक घटा के 354, ये वाली पूर्ववर्ती हो गई और आगे वाली जो है वह अनुवर्ती हो गई, जिसको हमने हरे घेरे से घेर दिया, ये अनुवर्ती हो गई। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का एकदम स्पष्टीकरण इससे आप पता कर सकते हैं कि एक घटाने पर हमको पूर्ववर्ती मिलती है, एक जोड़ने पर अनुवर्ती मिलती है। हमने कहा 999 का अनुवर्ती क्या होगा, तो एक जोड़ देंगे तो 1000 जो आएगा वह 999 का अनुवर्ती हो गया। तो अनुवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या दोनों में हमने डिफरेंस यहाँ पे समझ लिया। अब बात करते हैं छोटी और बड़ी संख्या। कई संख्याएं जैसे दी गई हैं, यहाँ दिया गया है 3576, 3478, 3000। अब इसमें हम कहें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे ऊंचे स्थान को हम देखते हैं। पहले हजार के स्थान पर देखेंगे तो यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है। अब फिर सैकड़ा का स्थान देखेंगे तो यहाँ पाँच है, यहाँ चार है, यहाँ सैकड़ा के स्थान पे जीरो है, सबसे छोटा अंक है, यानी कि उसके बाद वाला अंक छोटा मिल गया हमको, तो सबसे छोटी संख्या ये है 3000 है, ये सब छोटी संख्या हो गई। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो सबसे बड़ा अंक लेके है 3576, ये बड़ी संख्या हो गई। इस प्रकार हम उसके स्थानीय मान के हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जैसे हमने कहा 3745 और 3800 में कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो यहाँ पे दोनों में तीन आया, एक है हजार के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे यहाँ छोटा अंक है 7, यहाँ बड़ा अंक है 8, इसलिए कौन सी संख्या बड़ी हो गई, 3800 3745 से बड़ी हो गई। बड़े की ओर बड़ा मुंह लगा देंगे, छोटी की ओर छोटे का चिन्ह लगा देते हैं। आगे संख्या सिद्धांत में हम बात करेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम माने होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी। जब हम छोटी बड़ी संख्या का पहचान कर लेते हैं तो आरोही क्रम लिख लेंगे, जैसे 3376 3333 3345
3348 इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, अब जिसे हमको लिखना है आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होगा इसका, आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी। सबसे छोटी क्या, यहाँ दो तीन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सैकड़ा और हज़ार पे तीन तीन है, यहाँ पे भी तीन तीन है, ये भी तीन तीन है। अब हम दहाई के अंक से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। दहाई पे यहाँ सात है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है और यहाँ पे चार है। तो अब सबसे छोटा अंक जो है तीन वाला है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी 3333। तो सबसे छोटी संख्या होगी 3333। फिर उससे बड़ी अगर हम चलते हैं तो चार देखेंगे, तो दहाई पे यहाँ पे चार है, यहाँ पे भी चार, लेकिन यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे आठ है, आठ बड़ा है इकाई का अंक, यहाँ पे पाँच छोटा है। तो इससे इसके बाद कौन सी आएगी, 3345, इससे बड़ी हो गई। फिर इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 3348। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी होगी 3376। ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम माने एकदम बढ़ता चला गया, नंबरों की संख्या जो है सीधे बढ़ती जा रही है इसमें। इधर इस साइड जाने पे दाहिने साइड क्या होती है, बढ़ती, सबसे पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, तो ये आरोही क्रम में संख्याएं कहलाती हैं। फिर बात करते हैं अवरोही क्रम में संख्या कैसे लिखें। अवरोही क्रम माने डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी सबसे पहले, उससे छोटी फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी सबसे लास्ट में लिखना है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 5,705, 5,705, 7,000। अब इसमें कह रहा है कि इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, घटते हुए क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिख दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, हजार के स्थान पे पाँच पाँच तीनों में, यहाँ पे सात आ गया है, तो सबसे बड़ी संख्या 7,000 हो गई। उससे छोटी कौन सी होगी, अब देखिए यहाँ पे भी सात है, यहाँ पे भी सैकड़ा पे सात है, यहाँ पे भी सात है। अब हम दहाई के अंक को देखेंगे किसमें बड़ा है, तो दहाई का अंक यहाँ बड़ा है 5,745 में, तो इससे बड़ी इससे छोटी संख्या हो गई 5,745। फिर इसके बाद की संख्या हम देखते हैं, इसके बाद वाले में क्या है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो, लेकिन यहाँ पे पाँच आ गया है, तो उससे बड़ी हो गई 5,705, उससे छोटी हो गई, और सबसे छोटी हो गई 5,700। यानी कि ये कौन सा है, और वही क्रम है, घटता हुआ क्रम। ये कौन सा क्रम कहलाएगा, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं। तो ये हमारे घटते हुए क्रम में और वही क्रम में संख्याएं कहलाती हैं। आपको वर्कशीट उपलब्ध करा दी गई है, वर्कशीट पे जो सवाल दिए गए हैं उनको आप लोग लगा लीजिएगा, जहां समझ में ना आए वहां पे आप वीडियो देख के आराम से समझ सकते हैं। अगर आपने मिशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।